हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, गणपति के भोग के लिए हम तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं, बट उनका प्रिय भोग तो मोदक ही है। तो आज हम बनाएंगे सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से बनने वाला मोदक, जिसे हमने कोकोनट यानी कि नारियल और जैगरी यानी कि गुड़ से मिलाकर के बनाया है। तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें कुछ भी नहीं है। तो आइए देखिए इस रेसिपी को हमने किस तरह से बनाया है। एक पैन रखेंगे फ्लेम पर, उसमें 1 टीस्पून देसी घी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है इस रेसिपी के लिए। और मैंने इस छोटी कटोरी से हाफ कटोरी जो है जैगरी लिया है। जैगरी का अमाउंट आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट इतना मेजरमेंट जो है परफेक्ट है। और 3/4 कप वाटर ऐड करेंगे इसमें। जैगरी को अच्छी तरह हम मेल्ट कर लेंगे। फ्लेम को हम लो रखेंगे। हमें सिर्फ मेल्ट ही करना है फ्रेंड्स इसे, कोई एक तार या दो तार की चाशनी नहीं लानी है। ये देखिए अच्छी तरह मेल्ट हो गया है, इसमें बॉईल आ रहा है। अब हम उसी कटोरी से मेज़र करके 1 कटोरी जो है डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे। नारियल का बुरादा है ये, आप फ्रेश कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह। इसको ऐड करके हम इसे मिला लेंगे अच्छी तरह। फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए इसे कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे। बहुत जल्दी ही हमारा मिक्सचर जो है ठीक होने लग जाएगा, आप देखिए। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मिक्सचर हमारा जो है थोड़ा सा थिक हो गया है। हमें इसका मॉइस्चर एकदम कंप्लीट ड्राई करने तक इसे कुक कर लेना है। अभी हमारा मिक्सचर जो एकदम ड्राई हो गया है आप देख सकते हैं। ये देखिए एकदम से अभी ड्राई हो गया है। अभी हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसमें कुछ 2 से 3 मैंने इलायची को कूट करके लिया है। कूट करके इसका फ्लेवर जो है ज़्यादा अच्छा आता है। इसको मिला देंगे हम अच्छी तरह। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और बस हमारा मोदक का मिक्सचर जो है बन करके एकदम तैयार है। बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है जैगरी की और कोकोनट की, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। बहुत ही डिवाइन भोग है ये। इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। इसको मैंने थोड़ा फैला दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। अभी एकदम से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है। मोदक का मोड़ लेंगे और इसे जो है ग्रीस कर देंगे इस तरह से देसी घी से। एक ही बार आपको ग्रीस करना है। मिक्सर से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और मोदक के मोल्ड में इस तरह से फिल कर देंगे अच्छी तरह टाइटली, इसका प्रॉपर शेप देते हुए। देखिए इस तरह से। जितना अच्छा नीटली टाइटली हम प्रेस करेंगे उतना ही अच्छा मोदक का शेप आएगा। तो देखिए अच्छी तरह फिल कर लेने के बाद इसको हम क्लोज करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन है साइड में उसे हम निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से, और अंदर भी जो है प्रेस करते हुए इसे फिल कर देंगे अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओ वाओ, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सुंदर सा मोदक बन करके तैयार हुआ है हमारा कोकोनट और जैगरी का मिक्सचर का। बहुत ही शाइनफुल बना है। आइए एक और मोदक बना के दिखाती हूँ मैं आपको। मिक्सर को टाइटली हम फिल करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और इसे क्लोज करेंगे, पीछे भी हम टाइटली फिल कर देंगे ताकि शेप जो है प्रॉपर आए। और इसे जो है हम ओपन करेंगे, साइड को जो है क्लीन कर लेंगे। वाओ, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर, बहुत शाइनफुल डिवाइन मोदक बनकर के तैयार हुआ है और बहुत ही हेल्दी भी है। मोदक ही नहीं, आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, बहुत हेल्दी भी है। बहुत ही कम घी और तेल का इस्तेमाल हुआ है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे मोदक की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे हर एक नए अपलोड की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। बहुत जल्दी ही मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।